हिंदुस्तान न पाकिस्तान न कोई सरहद दरमियान, ये तेरा है ये मेरा है, हमारा है ये गुलसितां। ये इश्क के परिंदे हैं, 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 ये ना जाने कोई सरहद, ये ना जाने कोई सरहद, ये ना जाने परवाज की हद, ये ना जाने परवाज की हद। ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं, ये बेसुबा जाने बस इश्क की सुबह आहे आहे, ये बेसुबा जाने बस इश्क की जुबान, और इश्क के खातिर हो जाए, और इश्क के खातिर हो जाए। खेल चल रहा है और इस खेल को कवर कर रहे हैं हमारे कैमरामैन फैज, सारे फील्डर तैनात, सलामी बल्लेबाज तैयार, और ये गेंदबाज ने गेंद फेंकी और उन्होंने उठा दिया है, बॉल हवा से बातें कर रही है, फील्डर बॉल के पीछे दौड़ते हुए, कैमरामैन अपना कैमरा लेके फील्डर के पीछे दौड़ते हुए। अबे बदमाश, ये कोई जगह क्रिकेट खेलने की है? अभी गाड़ी का शीशा टूट जाता तो नामाकूल गधे कहीं के। अरे चाचा मियां, क्यों गुस्सा हो रहे हैं बच्चे पर? ये कोई जगह है क्रिकेट खेलने की? अरे ये सोचिए कि अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो कल को पाकिस्तान को हराने वाली टीम कहां से तैयार होगी? इसका मतलब जहां चाहेंगे वहीं शुरू हो जाएंगे, है ना? यही तो जुनून है हम हिंदुस्तानियों में, इतना जुनून नहीं होता तो पाकिस्तान हारता हमसे। फैज मियां, अभी आप वकालत पढ़ रहे हैं और अभी से आपने वकालत शुरू कर दी, और वो भी इन लफंगों की। अब जाने दीजिए चाचा जान, चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आदाब भाई जान। आओ हमीदा। आदाब बीबी, आदाब। माशाल्लाह। आदाब मामू जान। शीन बेटे, आप तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आदाब मामी जान। आदाब, खुश रहो, अच्छी रहो। हम अपनी शीन बेटी की नजर जरूर उतारेंगे। अरे मुमानी जान, हमें किसी की नजर वजर नहीं लगती। चलिए अंदर चलते हैं। आप लोग सफर से वैसे भी बहुत थक करके आए हैं। चलिए चलिए अंदर। गजाला का फोन। गजाला, हद करती हो। हम पहली बार इंडिया आए हैं और तुम पता नहीं यहाँ से कहाँ गायब हो। ये कोई बात हुई? आपको बताया, हम कराची से कितनी सारी बातें समेट कर लाए थे आपसे करने के लिए। क्या है ना, हम अलीगढ़ आए हुए हैं, हमें कुछ नहीं सुनना है। जितना जल्दी हो सके बस आ जाइए यहाँ पर। अरे शीन। जी मुमानी। अंदर आओ। अच्छा सुनिए, अभी हम रखते हैं, मुमानी जान बुला रही हैं। ये रहे गजाला आपा, ये मुमानी जान। और ये मामू जान। अरे आप तो जवानी में एकदम दिलीप कुमार दिखते थे, है ना? अरे सारे इलाके में हमारे भाईजान जैसा कोई दूसरा ना था। मुमानी जान, ये टकलू कौन है? ये शादाब है। ये शादाब भाई है। अरे शादाब मियां कहाँ है? जंगल में कटाई का काम चल रहा है ना, उसी को देखने के लिए गए हैं। बहुत मसरूफ रहते हैं वो। अच्छा। शादाब मियां भी आ गए। आदाब। जीते रहो, जीते रहो। आदाब भाईजान। आदाब। आज हमने आपकी बचपन की पिक्चर्स देख ली, वो भी अनसेंसर्ड वाली। अम्मी ने समझाइए कि बड़ों के सामने खिलखिला के हंसना हमारी तहजीब के खिलाफ है। हमारा खाना हमारे कमरे में लगवा दीजिएगा। हाँ। आज शादा भाई का मूड थोड़ा खराब है क्या? नहीं, ऐसे ही। तो तुम नाश्ता करो बेटा, लीजिए। अरे सच्ची बोल रहे हैं फैज भाई, अरे उन्हें गाली दे दीस। अब इतने से ज्यादा तुम सुनने वाले थे नहीं, हर्रा के घंटा आप दिया पहले वाले को, वही इस घंटा का फील, और फिर हुमक के ठूसा धरा दूसरे पे। नकसीर फूट गई अगले की, और फिर विशाल भाई हर जगह खूनम खून। हमने एलानिया कह दिया कि अगली बार मोहल्ले में कदम रखना तो 10-20 का साथ लेके आना, वरना साला आओगे साइकिल पे, जाओगे ठेले पे। हमारे तो ठीक है फैज भाई, लेकिन छुट्टी के दिन आप क्यों घर नहीं गए? अब घंटे भर का तो पूरा रास्ता है। भाई मुबारक हो फैज भाई, आपके LLB के कंप्लीट होने से पहले ही आपको क्लाइंट मिल गया आपका। अम्मा फैज भाई, अम्मा फैज भाई, यार जवाब नहीं दिया आपने। लाजवाब हो गए हम जवाब में, वो सवाल उठा दिया एक हिजाब ने। कतई शायर हो रहा है हा? अरे फैज मियां, पता नहीं ठीक से खाते पीते भी हो कि नहीं। आप परेशान ना हो, खाना टाइम पे ही खा रहे हैं। परेशान क्यों ना हो, कितने दुबले हो रहे हो। अच्छा छुट्टियां कब है? छुट्टियां अभी हैं, लेकिन 2 महीने बाद इम्तिहान भी हैं। इस बार जब छुट्टियों में आना ज्यादा वक्त लेकर आना। जी। यूं नहीं कि आए और चल दिए। हाँ हाँ, लेकिन
अम्मा चलिए। हाँ पप्पू से बात कराइए ना। लो चाचा का फोन है, हेलो करो। चाचू आपने हमारा गिफ्ट लिया? आएंगे तो लेते आएंगे। हमें सलमान खान जैसा ब्रेसलेट चाहिए। हाँ लाऊंगा, खुदा हाफिज़। यार भतीजे के लिए एक ब्रेसलेट लेना है हाथ में पहनने वाला, जैसे सलमान पहनता है ना। अरे मत लीजिए मत लीजिए। क्यों? अरे कुआर आ जाएगा जिंदगी भर, क्या फायदा, मत लीजिए। तुमसे जितना पूछा उतना बताओ ना। वैसे भी अमीनाबाद गए तो अब अरसा बीत गया। अम्मी आज चले अमीनाबाद। मुमानी पता है हमने वहाँ के इतने किस्से सुने हैं, इतने किस्से सुने हैं कि क्या बताएं। गड़बड़झाला में ये मिलता है, गड़बड़झाला में वो मिलता है, लेकिन एक बात बताइए जरा, जहाँ झाला ही गड़बड़ हो वहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। इनकी सुनो। लेकिन फिर भी एक बार ना वहाँ जाना जरूर है। भाई साहब 8 साल के बच्चे के लिए कुछ ब्रेसलेट सिखाइए प्लीज। इनके गले के लिए खूबसूरत सा हार दिखाइए, ये हमारी भांजी है, कराची से आई है। क्यों नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हार दिखाता हूँ जी। ये देखिए पोलकी का है और बहुत खूबसूरत लगेगा इनके ऊपर। नहीं ये नहीं चाहिए हमें। अच्छा ये डायमंड का है और इस पर बहुत महीन काम बना है, ये बहुत खूबसूरत लगेगा आप पर। नहीं ये भी नहीं। अच्छा 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 देखिए अभी और बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये देखिए कुंदन का है, एक नवाब साहब की नीलामी से इसको खरीदा था, एंटीक है एंटीक। बहुत खिल रहा है यार आप पर। नहीं हमें कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन हुआ क्या? नहीं कुछ पसंद नहीं आया। चलिए ना मुमानी। अरे रुकिए और दिखाता हूँ, फिर कभी आते हैं। चलिए वो क्या क्या कीमत है सार की? जी आपके लिए पनाहों में, तेरी धड़कनों की सदाओं में है निशान मेरी मंजिल के। तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल मिलके, मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल मिलके। लीजिए हो गई छुट्टी, अब ये किताबें छोड़ के कंप्यूटर पे लड़के को ढूंढा जा रहा है। ऐसे तो आप बन चुके वकील और भाड़ में गया हुआ इंतकाम। क्या करें पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा है। ए, दिल आज दिल है कहाँ जो लगेगा,
वो तो किसी और को दे आए, अब बदले में क्या लाए? सिंगट्टा। ऐसे नहीं चलेगा, तुरंत आर या पार कीजिए। कैसे? फ्रेंड रिक्वेस्ट तक तो भेज नहीं पा रहे हैं। कहाँ इस डिब्बे के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम आपको उससे भी एक कदम आगे बढ़वा रहे हैं। ये लीजिए उनके मामू के घर का फोन नंबर। पता नहीं क्या क्या किसका फोन आ गया, बात भी नहीं करने देते। हेलो, बोलो 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 बोलो। अरे कुछ मुंह से फूटोगे भी या मुंह में दही जमा रखी है? अम्मा क्या हुआ? धत्तेरे की नासपीटन लमन, कहां कहां जाकर लाइन लग जाती है। हेलो शादा भाई, शादा काटो 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 काटो। हेलो शादा भाई, आराम से डाल के काट देंगे, समझे? अरे कोई है, फोन तो उठाओ। हेलो हेलो जी आदाब, हम जी हम वो हेलो काट दिया। शीन बेटे किसका फोन है? पता नहीं, डेड हो गया। ओहो, लगता है ये मुआ बंदर फिर से तार तोड़ गया। कम वक्त कहीं का हो गई, हफ्ते भर की फुर्सत। अब तो मायूस मत होइए, कोई आ गया होगा। अरे कैसे मायूस ना हो, आज के जमाने में भी फेसबुक पे है नहीं, फोन तो खैर क्या होगा उनका यहाँ पे। अब कोई बात भी करना चाहे तो कैसे करे यार? भाई धीरू भाई के जलाल से मोबाइल तो मोहल्ले के भिखारियों के पास भी है, क्या वो सभी कहीं गुजरी है? यार वो पाकिस्तान से आई हैं, अगर उनका नंबर होगा भी तो यहाँ कैसे चलेगा, अब क्या रास्ता निकालें? भाई छत पे पकड़ लो, अब बोल दो जानी तू मेरे दिल की रानी, सही रहेगा। अरे ठेठ सामने तो हमसे कुछ ना कहा जाएगा, पहले उनका मिजाज तो भाप लें, इसलिए तो फेसबुक पे ढूंढ रहे थे। वो वहाँ ही है नहीं। अमा लाहौल विला कुव्वत, हमारे जमाने में ना टेलीफोन था और ना कंप्यूटर नाम का डब्बा, तो मोहब्बत नहीं होती थी क्या, ये अफसाने नहीं होते थे। कैसे लाला जी? अभी बताते हैं आपको। अमा आप चाय पियो। साहबजादे हम आपके लिए उस हकीम की तरह हैं जो खुद मरीज रह चुका है। पहले ये बताइए कि मामला आस पड़ोस का है या दूर दराज का? पास आस पास का, आपके पास कोई तरकीब है? अब देखो नुस्खे तो हजारों हैं, मगर हम आपको वही बताएंगे जिससे हमारी पहली मोहब्बत में कामयाबी मिली। अये हाय क्या वक्त याद दिला दिया बरखुरदार। मियाँ अभी हम लड़कपन से नए नए भारी आए थे और उन्होंने भी आंचल ढांपना शुरू ही किया था। बस एक रोज छज्जे पर आँख लड़ गई और उन खंजर जैसी आँखों ने कलेजा चाक कर दिया। अमा इश्क में अच्छा खासा अकलमंद इंसान लौंडा बन जाए, और हम तो लौंडे थे ही। बस फिर क्या था, हमने अपनी बचपन की पहली मोहब्बत का सहारा लिया, अब पतंग और चरखी का। देंगे, हम सिखा देंगे आपको। भाईजान कल से पतंग उड़ाते उड़ाते कंधे कल आ गए हैं, भाभी जान कब छत पे आएंगी? धूप में सारा पतंग भी भुना मुर्गा हो गई है और हम भी। इंतजार का फल दशहरी आम से भी मीठा होता है, इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। फैज भाई आ गई। आ गई, अरे ला 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 ला, हमें दो नहीं तो सोचेंगे तुम्हारा संदेश है। खींचो 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 खींचो, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर, जाने दो जाने दो। ले रहे जाएगी ही धीरे धीरे। और हाँ भाई अटकाओ 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 अटका। अरे कहाँ जा रहे हो? बाएं मिलो ना, बाएं मिलो, हाँ हाँ हाँ। अरे इधर नहीं, अरे एक, अरे अरे ये कौन आ गया? अरे अबे काट काट काट, खींचो खींचो, बाएं लो बाएं लो, हाँ जल्दी खींच खींच काट। साले तुम्हारी तो साले लोंडे, इनकी तो मैं क्या है यार, अभी कटवा के रख दी आपके चक्कर में।
दिन कपड़े तो दे रो, कदी ये करो कदी वो करो, ते आप सारा दिन चटक लार के बैठे रहंदा, बुड्ढी कोड़ी लाल लगा। बट्टा की रहा तू? प्लीज कॉल 9760785434। बाय! और तड़ी पाल दिया, तड़ी पैर दिया, तड़ी दादी दिया है। कौन है? कौन है भाई दलाल जो सनी सरार दिनों छेड़ दी? हिम्मत कर रहा हो? भाई ये नंबर से हमें ढूंढ लेगा। इसकी पुलिस में भी जान पहचान है। अरे यार बेइज्जती हो जाएगी। पुलिस ने पकड़ा भी तो किस लिए? भाई लौंडेबाजी के चक्कर में। तुरंत सिम तोड़ दो। अबे नहीं 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 टोटे टोटे कर देना। अब क्या टोटे टोटे कर रहे हो? नंबर तो लिखा है उसपे। नंबर के भी टोटे टोटे कर देगा, फाड़ के रख देगा, फाड़ के। ओए किसका नंबर है ये? बोल। ये तो कोई नया ही लगता है। हमारी सिम तो तोड़ दी तुमने, क्या करते? अब हम कॉन्टेक्ट से क्या करेंगे? शुक्र मनाओ बचा लिया, वरना लेने के देने बढ़ जाते। 1000 कॉन्टैक्ट्स थे हमारे। अरे उदास मत हो, भर लेना दोबारा कॉन्टैक्ट्स तुम अपने। फैज मियां खुशखबरी लाए। कहां लाला जी, आपकी इस तरकीब का तो दम निकल गया। अरे हमने पतंग उड़ाई, जाकर सीधे सरदार जी की बीवी पे गिरी है। लेने के देने पड़ गए हमारे। हमां मियां पहली बार में ही हार मान गए भाई। हमारी 10वीं पतंग सही ठिकाने पर पहुंची थी। सुनो इनकी बात। बस लाला जी बस, 10वीं तो मोहल्ले की हर हजीना के मियां हमारे जाके गाहक बनने बैठे होंगे। हम पतंग लेके तो मोहल्ले में आने भी नहीं वाले। बिल्कुल नहीं। हमारी चौथी मोहब्बत के वक्त भी ऐसी ही दुश्वारियां पैदा हो गई थी। तब हमने दुनिया के सबसे पुराने डाकिये का सहारा लिया था। डाक से तो खत उनके मामू तक पहुंच जाएगा। अमाम कबूतर की बात कर रहे हैं, उस पर संदेशा बांधिए और उड़ा दीजिए, इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा। कबूतर? हाँ। कहा है नवाब की हवेली? वो रही उधर। हम अपने कबूतर बेच नहीं सकते, क्या समझे? जैसे कि हम अपनी इस हवेली को बेच नहीं सकते। हाँ मामला चूंकि दिल का है तो मियाँ हम किराए पर दे सकते हैं, जैसे कि हमने अपने इस हवेली के कमरों को किराए पर दे रखा है। ग्रेट, हम कोई भी किराया देने को तैयार हैं। नबान मियाँ जी, जरा शेर जंग को ले आइए। अभी लाया। देखो मियाँ, किराया होगा रोज का 1000। 1000 रुपए? अरे आपको खबर नहीं है तो रहने दीजिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक। और हाँ, हमारे अजीज का वजन 1 छड़ाव की कम नहीं होना चाहिए। हाँ। मियाँ हाँ आजा मेरे जाने जिगर आजा। और हाँ, उड़ाने के बाद आप बस एक सीटी मार दीजिएगा, जिस छत पे उड़ रहे होंगे उस पर उतर आएंगे। कमबख्त, सुबह से 2 किलो बाजरा खा चुका है और भाभी जान अब तक छत पर नाउदा नहीं हुई है। अबे कोई आवारा है जो दिन भर छत पे मंडराती रहे? कोई काम निकलेगा तब आएंगी। हम आवारा हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है। फैज़ाई, 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 आगे 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 आगे। अरे निकाल 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 निकाल। खत बांध दिया? हाँ बांध तो दिया पंजे में। जाओ मियाँ शेरजंग, किला फतेह करके आओ। देखो वो छत पे जाना है तुमको, जाओ। शाबाश 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 शाबाश। अभी गलती की सिटी में जाती। अरे मैं सिटी नहीं बजाई। हाय कबूतर, खुदा करे करे कहां उतर गया? हाय चवशे। एक गुफ्तगू का मुंतजिर न
ठीक लगी इस फोन वाले नाल मैं निबड़दा हुणे सारे लफंगे क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़ा है फोन में घुस के मारूंगा टट्टे टट्टे कर दूंगा हमें दो अरे क्या कर रहे हो फिर सिम तोड़ोगे अरे हमारे टूटे टूटे हो जाए सच्चा है सिम के टूटे टूटे हो जाए अरे पर कैसे खुलेगा ये वाशिंग बाजी क्या शॉट मारा है सुभान अल्लाह अरे जिशान मियां अपने कॉलेज के चैंपियन रह चुके हैं हम और पता है अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही खेलते रहे ना एक दिन माशाल्लाह आप भी चैंपियन बन जाएंगे क्या शीनबाजी आप बस उन्हें ही सिखाती रहती हैं ये तो चीटिंग हुई ना हमें भी कुछ सिखाइए अरे अरमान मियां आप परेशान न हो अभी तो हम यही है ना आप लोगों के साथ अभी नहीं हम आपको कभी नहीं जाने देंगे अरे ठीक है बाबा ठीक है कहाँ जा रहे हैं हम कौन बताइए ना कौन है आप मुमानी जान नहीं पता चल गया हमें इतने प्यारे प्यारे ये नाजुक से हाथ तो हमारी गजल के ही हो सकते हैं बिल्कुल सही पहचाना माशाल्लाह आप तो हकीकत में भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितना फेसबुक पर दिखती हैं तो आपको क्या लगा था ये कोई फोटोशॉप का इफेक्ट है कैसा लगा आपको हमारा हिंदुस्तान बेहतरीन मुल्क बेहतरीन मोहल्ला और बेहतरीन लोग भी लगता है कोई पसंद आ गया है हमारे मोहल्ले से हाँ छोड़िए ना अच्छा ये बताइए आपके खाला के यहाँ सब कैसे हैं वैसे एक बात तो है जहाँ आप हैं वहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा होगा अल्लाह कितनी बातें बनाती हो सब ठीक है वहाँ छत पर चले हाँ चलो ना और फिर रफीकन आप अम्मी जान ऐसा कहा? हम लोग छत पर जा रहे हैं अच्छा ठीक है अरे दिखाओ तो जरा और सबसे अच्छी लगती है हमें इस हवेली की छत क्या हवाएं चलती हैं यहाँ पर पता है क्या नजारा दिखता है यहाँ से शीन ये माजरा क्या है लेबर लॉ की क्लासेस चल रही हैं आपकी कहाँ प्रोफेसर ने शादी के बाद क्लास ही नहीं ली अच्छा फैज भैया जरा इधर आइएगा प्लीज जी आते हैं एक मिनट चलिए लाइब्रेरी का लॉन मारते हैं जी कही सीनियर हैं आप हम तो आपको निहायत शरीफ समझते थे लेकिन आप तो अव्वल नंबर के बेशरम और शोहदे निकले जी जी अब ये क्या कह रही हैं आप हम बिना सबूत के कभी कुछ नहीं कहते जी और अगर अभी भी अपने इल्जाम समझ में ना आ रहे हो तो फौरन से पेशतर कॉलेज कैंटीन में मिलिए उसकी हालत एकदम खराब हो गई थी आ गया आ गया आ गया हमें तो लगता था कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है लेकिन यहाँ के नौजवान तो आज भी कबूतर और पतंगों का सहारा ले रहे हैं जनाब ये 21वीं सदी है लीजिए हमारा नंबर है
हमें लगता है कि आप हमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी हाँ, हम कहना चाहते थे कि वो अभी तो आप इस हालत में है नहीं। हालात जब थोड़े संभल जाएं, तो फोन कर लीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बताएं हम खाला के बारे में। हेलो जी, आदाब, हम फैज बोल रहे हैं। फैज, 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 फैज। जी बोलिए। दरअसल हम अपनी नादानियों के लिए बेहद शर्मिंदा हैं। हम तो आपसे सिर्फ दोस्ती करना चाहते थे। असल में हम बिल्कुल वैसे नहीं जैसे आप समझ रही हैं। हम तो आपको नहायत शरीफ समझ रहे थे। आप वैसे नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल सही समझ रही थी, हम ही गलत सोच बैठे। गलत सोच, वो भी हमारे बारे में? नहीं नहीं, आपके बारे में तो हम ख्वाब में भी गलत नहीं सोच सकते। तो ख्वाब में भी आप हमारे बारे में सोच लेते हैं? जब से आपको देखा है सोए ही कहाँ हैं, ख्वाब कहाँ से देखेंगे। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे और गुनाह हमारे सर आएगा। तो हमारे इलाज का रास्ता निकालिए ना, हम आपके सामने दोस्ती की पेशकश रख रहे हैं। क्या आपको हमारी दोस्ती कबूल है? सोच के बताएंगे। सोच लीजिए, हम आपको एक मिनट बाद फिर से कॉल करते हैं। हम कोई केबीसी खेल रहे हैं क्या आपके साथ, जो एक मिनट में जवाब देना है? वक्त लगेगा जनाब। इत्मीनान से सोच लीजिए, हमें इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। आई अम्मी जान। हेलो जी, एक मिनट में ही सोच लिया। क्या? हाँ। रब से मांगी थी मैंने वो दुआ हो तुम, तोहफा खुदा का मेरी जा हो तुम। खुदा की कसम, काफिर होता तो मैं खुदा की कसम, कहता तुमको मेरे खुदा हो तुम।
से शुरू ये ही तमन्ना है बस मेरी। मेरी सुबह हो तुझ से शुरू ये ही तमन्ना है बस मेरी। तू बन गया मेरे जीने की वजह, तस्वीर दिल में बसी है तेरी। मुझसे जिंदगी कभी हो रहा ना खफा, मुझसे जिंदगी कभी हो रहा ना खफा। तू ही तलब है मेरी आखिरी। मजा आ गया शीन बेटे, आपके हाथों में तो जादू है। ये कमबख्श शर्फू मियां तो हल्के हाथों से मालिश करते ही नहीं। हम आपको सीखिए इनसे। जी जीती रहिए बेटा। अच्छा मामू जान, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक सवाल पूछें आपसे। भाई हमारे बालों की सफेदी को छोड़कर कुछ भी पूछिए। ओहो मामू जान, हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि जब आपने पहली बार मुमानी जान को देखा तो क्या असर हुआ था आप पर। क्या याद दिला दिया शीन बेटे। हुआ यूं कि हम आपके नाना जान के साथ उनकी हवेली गए। आपके नाना और उनके वालिद दोनों जिगरी दोस्त और दोनों ही शतरंज के बहुत बड़े शौकीन, वहीं पर वो भी मौजूद थी और हम बेसाख्ता उनकी तरफ देख बैठे। और जैसे ही हिजाब से उनकी आंखें नुमाया हुई, एक नश्तर सा सीने के अंदर आर पार हो गया। बस वहीं से दिल में एक ख्वाहिश ने घर कर लिया। फिर क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह करके एक मुलाकात नसीब हुई और जिस लम्हे हमारी जिंदगी के बाकी लम्हों का फैसला होना था, हमारी वो कैफियत हुई तो बस पूछिए मत। क्यों, क्या हुआ था? बताते हैं क्या हुआ था। पहले तो ये हकलाने लगे। सच में? सच जानो, मैंने तो इनको ज़हनी मरीज समझ लिया था बस। अच्छा मामू जान, आप दोनों ने अपने घर वालों को राजी कैसे किया? शीन बेटे, माँ बाप औलाद के दुश्मन थोड़े होते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यही शख्स उनकी औलाद को सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है तो सब मान जाते हैं। फिर अम्मी जान ने हमें आवाज लगाई, हमारी नींद खुल गई। सर अपना हाथ दीजिए। इरादे क्या हैं जनाब? इरादे नेकी हैं, आप यकीन रखें। आप पर तो यकीन है पर खुद का क्या करें? मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में पामिस्ट्री जानते हैं। हम जानते हैं जनाब, ये सब ना सिर्फ लड़कियों के हाथ पकड़ने के बहाने हैं। बताइए जरा, अब तक कितनी लड़कियों के हाथ देख चुके हैं आप? बोला ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, हाथ दीजिए ना। क्या है हमारी किस्मत में, बताइए ना। आप हैं बहुत लकी। देखिए ना, आपकी किस्मत की रेखा कितनी ऊपर तक जा रही है। और हाँ, दीवाने बहुत हैं आपके पीछे। वो तो पता है हमें, कुछ नया बताइए। आपकी शादी परदेश में होगी। अरे वाह, पता है हमें पेरिस बहुत पसंद है। अम्मी जान से कहेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा सा कोई रिश्ता वहीं ढूंढ दे। जरा अपना हाथ दिखाइए।
थोड़ी बहुत पामिस्ट्री हम भी जानते हैं। दीजिए, ये नहीं, उल्टा हाथ दीजिए, इधर आइए ना। ये क्या देख रही हैं? आप जानते हैं जब दो हथेलियों को मिलाकर आधा चांद बनता है तो 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 तो, तो? हाय, शर्मा के उन्होंने जो पलकों को झुकाया, एक राज छुप गया, एक सामने आया। रब से प्यार की मांगे दुआ, दोनों मिलके अपने रब से प्यार की मांगे दुआ। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, प्यार के इस खेल में दो दिलों के जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। जाएंगे हम, तुम कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम। खो के मिलना, मिल के खोना, प्यार में हंसना रोना। खो के मिलना, मिल के खोना, प्यार में हंसना रोना। गम हो मेरा और खुशी की हर सहेली तेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। चेहरा मेरी आंखें रोशनी हो दरमियां, मैं तुम्हारी रह गुजर में बन के चमकूं कहकशां। तेरा चेहरा मेरी आंखें रोशनी हो दरमियां, मैं तुम्हारी रह गुजर में बन के चमकूं कहकशां। तेरे होठों पर ये बातें चांदनी जैसे हो रातें, तेरे होठों पर ये बातें चांदनी जैसे हो रातें। हाँ, जो मेरी बातों से सुलझे वो पहेली तेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। दोनों मिलके अपने रब से प्यार की मांगे दुआ। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो। एक हथेली हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। एक
हाँ हाँ रख दीजिए यहाँ पे प्लीज। ये पलक झपकी। हमें कोई हरा नहीं पाया आज तक इस खेल में। अच्छा जनाब, वैसे आज तक आपका पाला नहीं पड़ा होगा हम जैसे किसी से। हम भी कभी हारे नहीं है, तो आप हार नहीं मानने वाले? कभी नहीं। सोच लीजिए, अभी भी वक्त है। ये पाकिस्तानी आंखें हैं, एक बार अगर मिल जाए तो सीधा दिल पर वार करती हैं। ये भी हिंदुस्तानी दिल है, मोहब्बत में जख्मी होने से नहीं डरता। कुछ जख्म निशान छोड़ जाते हैं। वो मोहब्बत ही क्या जो निशानी ना दे। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो। हम जीत गए, हमने कहा था ना फैस। अल्लाह करे आप हमेशा जीते। आप जानबूझकर हारे हैं ना? पहले सब कुछ हार बैठे। आप जानते हैं हम हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हैं हिंदुस्तान में, हमेशा के लिए। और वैसे भी आधे हिंदुस्तानी तो हम हैं ही। और पता है हमारी फैमिली में भी सब चाहते हैं कि हम बस यहीं बस जाएं। मामू जान, मुमानी जान, गजाला सब। तो हमारे पास एक रास्ता है आपकी ख्वाहिश पूरी करने का। ख्याल रखिएगा, पूरे होश आवाज में कह रहे हैं आपसे। आप हमसे निकाह करेंगी? हाउ बोरिंग, कोई ऐसे प्रपोज करता है भला? ना कैंडल लाइट है ना वायलिन, एक फूल भी नहीं लाए। फूल? अब हमने सोचा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपसे खूबसूरत फूल कहाँ से लाए? बहानेबाजी, रहने दीजिए। नहीं नहीं, है ना, बाइक में रखा हुआ है, अभी लेके आते हैं। तो वहाँ क्या कर रहा है, लेके आइए ना। चलो चलिए, चलो दबाओ दो यहां से सब। डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, प्लीज प्लीज जल्दी बुलाइए, नहीं तो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। प्लीज कोई फोन कीजिए ना, फोन कीजिए ना, कोई डॉक्टर को फोन कीजिए ना। बस फिर इस आदमी को गोली लगी है। शीना ठीक है? ये मर जाएगा ये। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाइए। हटिए हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटो। सरीना हॉस्पिटल ले चलिए। मुन्ना भाटी आए तो
ये तो मर गया साहब। मर गया? मर गया? इसे तो मार डाला। हमने हमने कातिलों को देखा है सर। दो लोग थे, इस तरफ भागे थे, हम पहचान सकते हैं सर। मैडम ये गैंगवार का केस है, नामी हिस्ट्री शीटर था ये। ये लोग उसे ढूंढ लेंगे। चलिए ऐसे कैसे चली जाए? हमने देखा उन्हें, हम पहचान सकते हैं सर। हमने देखा उन्हें, हम जानते हैं। मैडम आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, अगर हम किसी को पकड़ेंगे तो शिनाख्त के लिए आपको बुलवा लेंगे। आप हमारा नंबर ले लें। नंबर नोट कर। हमारा नाम है फैज। अच्छा, और फैज अब लखनऊ में रहते हो? जी। नंबर है 8906-20387। शीन चलिए यहाँ से। चलिए चलिए चलिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई जान कहाँ है? अंदर है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु। السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا الله میرے ہاتھوں کوئی گناہ نہ ہو یا اللہ میرے ہاتھوں سے مرنے والوں کی روحوں کو تسکین عطا فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما یا اللہ میں حق و دین کا کام کر رہا ہوں تو میری مدد فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ वालेकुम। काम हुआ बॉबी? हाँ भाई, कभी ऐसा हुआ है जो आपने काम दिया हो बॉबी ने पूरा ना किया हो? मर गया साला भाई, तड़प तड़प कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उसके घर वालों को दे दे और दुआ करना कि अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे। भाईजान, भाईजान, एक लड़की ने अजहर भाई को और बॉबी भाई को कत्ल करते हुए देख लिया है और कह रही है कि पुलिस को बताएगी। उस लड़की के लिए भी मगफरत की दुआ करो और ये उसके घर वालों को दो। जो हुक्म भाईजान। अल्लाह उन्हें भी सब्र अता करे। आमीन आमीन। क्या इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है? एक इंसान दूसरे इंसान को दिन दहाड़े भरे मार्केट में कैसे मार सकता है? वो बस तड़पता रहा, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। शीन संभालिए अपने आप को। फैज, हम खून खराबा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। शीन ये लोग पेशेवर गुनेगार हैं, इनके झगड़े में हम आप घर भी कह सकते हैं। तो क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? एक इंसान की कोई कीमत नहीं? उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसकी बीवी, उसके घर वाले, उन सब का क्या होगा अब? ये लखनऊ है, यहाँ दिन गैंगस्टर्स मरते हैं और फिर न जाने वो भी कितने लोगों को मार कर आया होगा। शुरुआत किसने की क्या पता। लेकिन इसमें कोई क्या कहे, बाद में तो सिर्फ गिनती का खेल रह जाता है किसकी तरफ से कितने मरे। बस मारी बॉबी भाई इसको गोली। हट जाइए सामने से आप।
ये क्या कर रहे हैं बॉबी भाई, गोली मारिए इसको। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती बॉबी भाई, गोली मारिए इसको। अबे चुप, जानता नहीं है कौन है ये? सलाम अलैकुम फैज भाई। फैज भाई, इन्होंने हमको कत्ल करते हुए देख लिया। तो वो तुम थे? हम थे फैज भाई, जरा इनको समझा लीजिएगा। हम संभाल लेंगे, अभी तुम लोग जाओ। और सुनो, घर पर कुछ मत बताना। ठीक, नहीं पता चलेगा। क्या था ये कातिल आपको सलाम क्यों कर रहे थे? फैज, कौन है आप? बताइए मुझे कौन है आप? शीन, शायर क्या कहता है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। वाह वाह वाह। क्या हुआ, किसका फोन था? कुछ नहीं, अननोन नंबर था। सुनिए जी, आप हमारा एक काम करेंगी? जी कहिए। इतने दिनों से बाहर ही नहीं निकल रही थी, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा शीन, तुम यहीं रुको, हम अभी आइसक्रीम लेकर आते हैं। शीन, शीन, एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। क्या कहना चाहते हैं आप? शीन, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब हमारी जिंदगी है, क्या बात है, आखिर आप हमसे दूर क्यों जा रही हैं? आप हमारी बदकिस्मती नहीं समझेंगे फैज साहब,
आपको क्या लगता है, हमने आपसे मोहब्बत नहीं की? की है। बहुत की है। आपको देखकर हमें लगा था कि बस अब मंजिल मिल गई, अम्मी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, लेकिन नहीं, हमारे पूरे खानदान में बस हम दो लोग बाकी बचे हैं, हम और हमारी अम्मी। भरा पूरा खानदान था हमारा कराची में, बस एक गैंग वॉर में सब कुछ खत्म हो गया, और हमारी अम्मी ने जो कुछ झेला है वो नहीं चाहती कि हम भी वही सब कुछ झेलें। वो तो बस इतना चाहती हैं कि हमारा रिश्ता किसी अच्छे शरीफ खानदान से जुड़े, किसी ऐसे खानदान से नहीं जिनका पेशा ही जुर्म हो। शीन, ये सब आप क्या कह रही हैं? हमें सब पता चल चुका है कि आपके भाई कौन है और क्या करते हैं, और वैसे भी ये सब जानकर कभी भी अम्मी हमारे इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगी। अरे, आपको जिंदगी हमारे साथ बितानी है या हमारे भाइयों के साथ? शादी भले ही आपसे हो, रिश्ता तो सबसे जुड़ेगा ना। शीन, हम आपके लिए हर रिश्ता तोड़ने को तैयार हैं। ये तो आप चाहकर भी नहीं कर सकते फैज, क्योंकि खून के रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। खुदा हाफिज। शीन, शीन, शादाब मियां। जी अम्मी। आप कहीं जाने की तैयारी में हैं? जी। बेटा, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी फरमाइए। कल रात हम और आपके अब्बू बात कर रहे थे कि क्यों ना घर में बहू ले आए, आपकी क्या राय है? ये मामला तो घर के अम्मी, आप और अब्बू जो भी तय करेंगे हमें मंजूर होगा। ये तो आपकी लायकमंदी है, फिर भी हम आपकी राय जानना जरूरी समझते हैं। बेटा, हम चाहते हैं कि आपके रिश्ते की बात शीन से की जाए। शीन आपको पसंद है? अम्मी, आप जानती हैं कि बाहर के मामलात में हम किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते। तो इसी तरह आपके और अब्बू के मामले में हम कैसे दखल दे सकते हैं? आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अल्लाह हाफिज। खुश रहिए। फी अमानिल्लाह। अगर एक बार हम शीन से भी पूछ लेते। शीन को तो हिंदुस्तान बहुत ही पसंद है, कराची में सभी को कहती फिरती है हम आधे हिंदुस्तानी हैं। तो चलिए, निकाह हो जाए तो फिर पूरी हिंदुस्तानी हो जाएंगी। भाईजान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते इतने नाजुक हैं, कभी भी बिगड़ सकते हैं। और मेरे ख्याल में निकाह अगर इसी वीजा में हो जाए तो बाकी कागजी कार्रवाई हम पूरी करा लेंगे। भाईजान, आपने हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली। बस बस अमीना, बस। अब नहीं। फैज भाई, फैज भाई, मोहल्ले भर में मिठाइयां बट रही हैं, उनका निकाह तय हो गया है, उनके मामूजाद भाई शादाब से।
दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, मुझे तेरी जरूरत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। जिस दिन से तू दूर हुआ है, टुकड़ों में जा टूट गई, टुकड़ों में जा टूट गई। ओ तू क्या रूठा साथी मुझसे, दुनिया मुझसे रूठ गई, दुनिया मुझसे रूठ गई। आ देख ले मेरी आँखों से, आ देख ले मेरी आँखों से, नींदों को शिकायत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। यादें करवट बदल रही है, दूर तलक मैं तन्हा हूँ, दूर तलक मैं तन्हा हूँ। वक्त भी जिससे रूठ गया है, मैं वो बेबस लम्हा हूँ, मैं वो बेबस लम्हा हूँ। हाथों की लकीरों से मेरी, हाथों की लकीरों से मेरी, किस्मत को बगावत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फैज मियां क्या हुआ? हाँ बैठ जाओ। हमारा बहुत लाडला और प्यारा भाई है, बहुत प्यार करते हैं हम इसे। हमने इसको वहां पढ़ने के लिए भेजा था। ये ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है जो इसका ये हाल हो गया? भाईजान कोई है?
उनसे मोहब्बत करते हैं फैज भाई। वो इनको भाव नहीं देती। नहीं मतलब पहले भाव देती थी, अब नहीं देती हैं। क्यों विशाल? जी भाई साहब छोड़ो, वो क्या है कि सही कह रहा है। तो हमारे मुन्ना भाई मजनू बनकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्यों बाबी? जी जी भाई, ये वही लड़की है ना जो रेस्टोरेंट में शूट आउट के टाइम तुम्हारे साथ थी? अमीनाबाद चलिए। जी अमीनाबाद। जी आओ मुन्ना आओ। हम तुम्हारे चेहरे पे पहले जैसी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आओ। आज हम तुम्हारे लिए वो हसीन और नायाब तोहफा लाए हैं जिसे तुम देखकर पूरी जिंदगी याद रखोगे। वो देखो। भाईजान ये सब क्या है? ये तुम्हें भाव नहीं देती थी ना, क्या समझती थी अपने आप को हसीन परी? उठवा लिया मुन्ना इनको हमने आपकी खातिर, अब आप चाहे इनसे निकाह करें या यूं ही रख लें। भाईजान ये क्या किया आपने? आपने तो सारी हदें पार कर दी। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। शीन आप हमें गलत समझ रही हैं। शीन बंद कीजिए अपनी ये ड्रामेबाजी। आपने क्या समझा था इस तरह से आप हमें हासिल कर लेंगे? ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी फैज साहब, जिस्मों को पालने में जीत नहीं होती, जीत तो दिल की नफरत मिटाने में है। खैर ये बात आप और आपके भाई क्या समझेंगे? ये तो पेशे से ही क्रिमिनल है, पता नहीं अपने घर की औरतों को भी कहां कहां से उठा कर लाए होंगे। औकात में रहकर बात कर लौंडिया, हमारे घर की औरतों को गाली देती है। रुक जाइए भाईजान, हट जा, भाईजान रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे क्या लगा रखा आप लोगों ने? छोड़ दे, आज मैं इसे भून दूंगा। बड़ा नखरा करती है साली। और तुम जैसे नामर्दों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बकसात लौंडिया, हमें नामर्द कहती है, दिखाऊं अपनी मर्दानगी? मेरे एक इशारे पर ये लोग तेरा वो हशर करेंगे कि शहर के किसी बाजार में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। भाईजान फैज, शाबाश मुन्ना शाबाश, आज तेरा ये रंग देखकर मजा आ गया। पढ़ लिखकर तू इतना बड़ा हो गया कि आज तूने अपने बड़े भाई पे हाथ उठा दिया, वो भी इस लड़की की खातिर। खुश रहे मुन्ना तू अपनी दुनिया में, लेकिन जाने से पहले तुझे एक वसीयत करके चाहता हूं कि मेरे मरने पे मेरी तुर्बत पे मट्टी नहीं देगा तू, और तुझे
कभी अपने भाई की जान की भी जरूरत पड़े तो आवाज देना मेरे भाई, जान देने आए का तेरे लिए तेरा ये भाई। माफी मांगना तो दूर की बात है, हमारे भाइयों ने हमें आपके सामने नजरें उठाने लायक भी नहीं छोड़ा है। चलिए आपको घर छोड़ दें। इश्क को या खुदा क्यों नजर हो गई, यूं लगे हर दुआ बेअसर हो गई। हमने दिन के चुने आशियां के लिए, किस तरह आंधियों को खबर हो गई। या माला मौना, मेरे मौना मौना, मेरे मौना मौना, मेरे मौना मौना, मेरे मौना मौना, वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है। वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है। चाहतों का रख ले तू भरम, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम, कर दे करम, कर दे करम, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम। झुकता नहीं है ये हालात से भी, मिटता नहीं है ये दिन रात से भी। मौला मौला, झुकता नहीं है ये हालात से भी, मिटता नहीं है ये दिन रात से भी। ये इश्क ऐसा है मासूम शोला, बुझता नहीं है जो बरसात से भी, मर के भी लेता है ये जन्म, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम, कर दे करम, कर दे करम, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम। Thank you.
ओ तेरा फलक है तेरी जमीन है तेरी इनायत पे दिल को यकीन है। शादाब भाई से निकाह के बाद आप शायद अपनी जिंदगी समेट लें, मगर जिंदगी जी नहीं पाएंगी। और फैज, बिखर जाएगा वो। मोहब्बत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसे ठुकराओ मत। अपनी खुशियों को दफन मत करो शीन। तेरा फलक है तेरी जमीन है तेरी इनायत पे दिल को यकीन है। तू सूखे पत्ते पे घर मेहरबा हो, अंगारों से भी वो जलता नहीं है, अंगारों से भी वो जलता नहीं है। फिर दिलों पे किस लिए सितम, मौला जरा कर दे करम मेरे। रफीक मियां जी, बीबी जाइए अंदर नाश्ता लगवा दीजिए। अच्छा जी। मौला जरा कर दे करम मेरे मौला, मौला मौला जरा कर दे करम मेरे मौला, मौला मौला जरा कर दे करम। हर तरफ कहर है तो क्या डर है, तू मुहाफिज है मोम के घर का, धूप का शहर है तो क्या डर है, धूप का शहर है तो क्या डर है। पहली बार पहली बार हमारे खानदान में किसी लड़की ने इतनी जुर्रत की है कि वो इस तरह से घर की चार दीवारी फलांग कर भाग जाए। इतना बड़ा कदम किसी घरवाले की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। कार्ड छप चुके हैं, रिश्तेदारों को हम क्या मुंह दिखाएंगे। निकाह तो अब होगा, उसी दिन होगा और शीन के साथ ही होगा। आ गया चाचा का फार्म हाउस। ठीक है फैज भाई, कल आप लोग टाइम से तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। खैरियत है ना? हाय अल्लाह, आप तो शर्मा गए।
मौलवी साहब आते ही होंगे। हाय अल्लाह, आप तो शर्मा गए। ऐसी कशिश है तुझ में बाखुदा, अब हर पहर है तुझी पे नजर, ऐसी कशिश है तुझ में बाखुदा। मेरे सादगी खुशबू है संदली पर, मखमली खुशबू है संदली, जब से मिला है तू मेहरबान। यार विशाल, कहाँ हो? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? यार वो खान साहब शीन की मदर को लेकर हॉस्पिटल में आए हुए हैं। वार्ड में पता किया मैंने तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक पड़ा है। पता नहीं शीन को बताना चाहिए या संभाल लेना। फैज, सब ठीक तो है ना? अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, तुम्हारी फूफी को कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालो शी, संभालो अपने आप। फैज भाई, शायद आपको पता चल गया है कि आप और शीन साथ में हैं। उसने शायद आपका मोबाइल ट्रेस करा लिया है। अब आपका वहां रुकना सही नहीं है, फौरन वहां से निकलिए। हमें फौरन निकलना होगा, चलिए। आइए 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 बाबूजी, आइए आइए। दो सवारी, सवारी फूल है, आइए साहब। ए किनारे खिसको, किनारे खिसको, बैठो 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 बाबूजी। बाबू साहब, लगता है इस शहर में तुम नए नए आए हो। हाँ। कहाँ जा रहे हो? वो यूं ही घूमने निकले थे हम, नैनीताल जा रहे हैं। गाड़ी खराब हो गई रास्ते में और 3-4 दिन लगेंगे, तो फिर ट्रेन का तो पता नहीं था, सोचा हाईवे से बस ही ले लें कोई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खूब घूमो फिरो। अभी ये तुम लोग की उम्र है ना, खूब घूमो ऐश करो। हमारा क्या है, हम तो बुढ़े ही गए। आओ बाबूजी। हाँ। कितना हुआ? 50। ये जिंदगी की राहें हमें कहां लेकर जाएंगी? पता नहीं,
लेकिन जहां भी लेके जाएंगी हम दोनों साथ होंगे। हमारी एक तमन्ना है फैज, कि जब भी हमें मौत आए हम आपकी बाहों में हों। आपको प्यास लगी? नहीं, रहने दीजिए ना, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। रुकिए रुकिए, हम इंतजाम करते हैं, कुछ यहाँ पे होगा। रहने दीजिए ना। रुकिए, ए भाई दो चाय देना। अरे भैया गैस खत्म हो गई है, चाय नहीं मिल पाएगी इस समय। अच्छा चल भाई आगे देखते हैं। चलते टैक्सी कूद दी, कुछ हो जाता तो हमने कुछ नहीं सोचा फैज, हमें लगा हम आपसे जुदा हो जाएंगे और आपसे जुदाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बस कूद गए। कहो भैया कुछ मदद चाहिए क्या? आप ये बताइए कि यहाँ कोई ठहरने की जगह मिलेगी आसपास? ठहरने की जगह यहाँ से कुछ दूरी पर है और यहाँ सवारी मिलना मुश्किल है। मेरी गाड़ी बैठ जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, दोनों को छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, चलो भाई आ जाओ भैया। भैया अंदर चले जाइए, ठहरने का अच्छा इंतजाम है। जी शुक्रिया। हेलो, कोई है? शीन? हाँ देखो ना कितना खूबसूरत है। पर यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है, चलिए अंदर देखते हैं। अजीब जगह है ये। आदाब, तो आ ही गए आप। सब खैरियत? रास्ते में किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? तो ये सब तुम्हारे आदमी थे? आपको क्या लगता है,
कि आप इस तरह से हमारी होने वाली दुल्हन को भगा कर ले जाएंगे और हम बैठे तमाशा देखते रहेंगे। हम फैज से मोहब्बत करते हैं। आपका निकाह हमसे होगा। चहकती हर खुशी इनकी, ये दुनिया कैद कर लेगी। इलाही तुझसे है यही फरियाद के रखना तू इन्हें आजाद, इन्हें आजाद। अगली गोली भेजा चीरती हुई निकलेगी। चीन हेलो कादर भाई, वो फैज और शीन शादी करने वाले थे पर शायद आपको पता चल गया है। फैज की जान खतरे में है, वो मार डालेंगे उसको। यहां खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ गाड़ी को बुला के लाओ। चलो काजी साहब, कहां हैं आप? अरे कितना टाइम और लगेगा आपको? ये निकाह आज ही होना है। काजी से बात बात में कर लेना, पहले ये बता के मेरा भाई कहां है। भाई, तू क्या उसे मेरे पास गिरवी रख के गया था? सुन बनवाब जादे, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो तेरी दुनिया नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। ये धमकियां किसी और को देना। कयूम शराब, अबे चल साले तेरे कयूम की, चल यार अंदर साला। भाई हमने लड़के को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। तुम्हारी होने वाली दुल्हन हमारे पास गिरवी रहेगी, हमारे भाई को दे जाना और अपनी होने वाली दुल्हन ले जाना। चलो अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो सबको मार डालूंगा। भाई लड़की गले बैठो। तो
cowards! What? अरे मत मारो शादाब शादाब रुक जाओ मत मारो नहीं फैज नहीं भाईजान और नहीं तो ठीक तो है ना भाई कैसा मेरे भाई मुन्ना रुक जाओ ये इश्क है कोई बगावत नहीं नमत की है कोई लानत नहीं कोई कहे ये इश्क है आफत कोई कहे ये इश्क है तोहमत इश्क है चाहत इश्क है रहमत इश्क है दौलत इश्क इबादत है इश्क का दुश्मन सारा जमाना है खून जिगर से लिखना कर होंगे जुदा तो मर जाएंगे आपको हमारी कसम इश्क की लौ को रोशन कर जाएंगे क्या समझाया आपने हम कोई शतरंज के बिसात नहीं है जिसके हार जीत का फैसला किसी की जान लेकर हो शीन आज हमें मत रोकिए आज आपके सर पे खून सवार है आप वो फैज नहीं रहे जिससे हमने मोहब्बत की थी नहीं चाहिए हम ऐसा शौहर जिसके हाथ किसी के खून से रंगे हो नहीं चाहिए हम ऐसी मोहब्बत जिसकी बुनियाद ही किसी के कत्ल पे खड़ी हो इस खून खराबे ने हमें बचपन में ही यतीम कर दिया था और अगर आपसे जुदा होना ही हमारा नसीब है तो हमें मंजूर है पकड़ कर दूर तक जाएंगे हम तुम कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम खो के मिलना मिल के खोना प्यार में हंसना रोना गम हो मेरा और खुशी की हर सहेली तेरी
मेरी हो, जीत हो तुम दोनों की हो, हार के चाहता तो तुझे गाड़ी के नीचे रौंद सकता था। डर नहीं लगा? डर किस लिए? क्या खोने का डर? सब कुछ तो लुट चुका है मेरा। तुझे लगता है कि मैं जीत गया, पर जिंदगी में पहली बार जीत के भी हार का एहसास हो रहा है। शीन मुझसे निकाह करेगी, उसका जिस्म मेरे साथ होगा, पर कमबख्त उसका दिल तो तेरे पास होगा ना। आज तक हमने जिंदगी में जो भी चाहा है उसे पूरे तौर पर हासिल किया है। शीन मेरी होगी पर आधी होगी, और आधी अधूरी जीत हमें मंजूर नहीं। शादाब, अगर तुम मुझे जिंदा दफन भी कर देते तो भी मेरे कब्र पे फूल शीन के नाम का ही खिलता। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। दोनों मिलके अपने रब से प्यार की मांगे दुआ, दोनों मिलके अपने रब से प्यार की मांगे दुआ। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। प्यार के इस खेल में दो दिलों के जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। जाएंगे हम, तुम कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम। खो के मिलना, मिलके खोना, प्यार में हंसना रोना। खो के मिलना, मिलके खोना, प्यार में हंसना रोना। गम हो मेरा और खुशी की हर सहेली तेरी हो। एक हथेली